तो भाई 10 तारीख शाम को अजय देवगन स्टारर मैदान देखकर मैं जितना खुश था, उस पूरी खुशी पे पानी फेरने का काम किया 11 तारीख यानी कि कल अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर बड़े मियां छोटे मियां ने, जहां इस फिल्म को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कितना बड़ा पाप हो चुका है। क्योंकि भाई एक्शन और कॉमेडी के नाम पे इस फिल्म में हमें जो परोसा गया, उस सेंसलेस और इलॉजिकल चीज को देखकर आपका खुद का दिमाग आपका साथ छोड़ सकता है और आपकी आंखें आपसे विद्रोह कर सकती हैं। तो आइए दिमाग के सारे पेंच ढीले कर देने वाली इस फिल्म के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द मूवी रिव्यू ऑफ बड़े मियां छोटे मियां। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई फिल्म के कच्चे चिट्ठे खोलने से पहले आइए जरा फिल्म के प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। तो भाई फिल्म शुरू होती है एक मिलिट्री कॉन्वॉय पे अटैक के साथ, जो कि इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पैकेज को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। खैर, इस अटैक में एक मास्क वाला टेररिस्ट इस मिलिट्री कॉन्वॉय से वो पैकेज लूट लेता है, जिसके बाद इस पैकेज को 72 घंटों में रिकवर करके उस मास्क वाले टेररिस्ट को कैप्चर करने के लिए इंडियन आर्मी द्वारा आर्मी के दो कोर्ट मार्शल किए गए सोल्जर्स को दोबारा से बुलाया जाता है, जो कि हैं कैप्टन फिरोज AKA फ्रेडी और कैप्टन राकेश AKA रॉकी। अब भाई ये पैकेज क्या है और ये मास्क वाला बंदा कौन है, वेल ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी नहीं बल्कि झेलनी पड़ेगी। अब भाई सबसे पहले मैं ये कंफर्म कर दूं कि ये कोई फिल्म नहीं बल्कि कई सारे फिल्मों से कॉपीड कंटेंट की एक ऐसी बिना स्वाद की खिचड़ी है, जिसे कंज्यूम करने के बाद आपके एंटरटेनमेंट का तो पता नहीं पर आपका दिमाग जरूर खराब हो जाएगा। क्योंकि भाई यहाँ आपको सस्ती वकांडा की शील्ड से लेकर सेल्फ हीलिंग सुपर सोल्जर्स तक और मास्क वाले सस्ते क्रॉसबोन्स से लेकर असासिन्स क्रीड गेम या फिर मूवी के प्रोटैगनिस्ट आगिलार की कॉपी तक सब कुछ देखने को मिलती है। हालांकि कॉपी तो फिर भी ठीक था, पर भाई फिल्म के मेकर्स ने जो ऑब्वियस लॉजिक और सेंस का बेड़ा गर्क इस फिल्म में किया है वो तो भाई नेक्स्ट लेवल है। फॉर एग्जाम्पल, फिल्म में टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार आर्मी के कैप्टन हैं, पर भाई मजाल है कि एक दो सीन्स को छोड़कर ये दोनों पूरी फिल्म में कहीं भी आर्मी के यूनिफॉर्म में दिखे हों। इनफैक्ट भाई हद तो तब हो गई जब फिल्म के क्लाइमैक्स में, जो कि आर्मी बेस के ऊपर ही टेक प्लेस करता है, वहाँ पे हमारे टाइगर श्रॉफ बनियान पहनकर मिशन कम्प्लीट करने पहुँच गए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इवन फिल्म में टाइगर श्रॉफ ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई है कि आर्मी बैकग्राउंड का ध्यान रखते हुए वो अपना हेयर स्टाइल और लुक ही वॉर मूवी जैसा कर लेते। इनफैक्ट भाई पूरी फिल्म में चाहे वो कोर्ट मार्शल से पहले के सीक्वेंसेस हो या फिर बाद के, दोनों में ही हमें उनका वही बिखरे बालों वाला लुक देखने को मिलता है जो हमें उनकी हर मूवी में देखने को मिल जाता है। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? खैर, अब भाई अगर इस फिल्म के जॉनरे की बात करें तो इस फिल्म को एक्शन कॉमेडी जॉनरे में रखा गया है, पर भाई एक्शन के डिपार्टमेंट में भी इस फिल्म को सेंसलेस बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। फॉर एग्जाम्पल, फिल्म की शुरुआत में ही अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ आतंकवादियों के अगेंस्ट एक कोवर्ट ऑपरेशन के लिए अफगानिस्तान में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो लोग गन्स और एडवांस वेपन्स को चूज न करके तीर धनुष और चाकू खंजर को चूज करते हैं, जबकि सामने वाले टेररिस्ट AK-47 और न जाने कौन कौन से एडवांस वेपन्स लेकर बैठे हुए हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर इस फिल्म में कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी के नाम पर इस फिल्म में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने बस कुछ वाहियात सी पंचलाइंस यूज की हैं, जिनसे आपको हंसी तो आती नहीं पर आप इरिटेट जरूर हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, फिल्म में जब एक सीन में टाइगर श्रॉफ AKA रॉकी को कर्नल आदिल कोर्ट मार्शल के बाद रिकॉल करते हैं तो वो कहता है कि मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि वो बुढ़ा मुझ जैसे बिटकॉइन को खोटा सिक्का समझता है। वहीं एक दूसरे सीन में टाइगर श्रॉफ कहते हैं कि आजकल टेररिज्म में भी नेपोटिज्म चल रहा है। और बस भाई, इसी तरह के सेंसलेस डायलॉग्स आपको पूरी फिल्म में देखने को मिल जाएंगे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। साथ ही अगर इस फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की बात करें तो आपको पूरी फिल्म में टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार के बीच में कोई भी केमिस्ट्री देखने को नहीं मिलती। इनफैक्ट टाइगर श्रॉफ को देख के तो लग ही रहा था कि वो एक्शन छोड़ के किसी भी चीज में कंफर्टेबल नहीं है। हालांकि फिल्म में जो भूली भटकी हुई कॉमेडी आपको देखने को मिलती है वो सब अक्षय कुमार की वजह से है। बाकी भाई अगर फिल्म में दूसरे एक्टर्स की बात करें तो पृथ्वीराज सुकुमारन ने न जाने क्या सोचकर इस फिल्म में थोड़ा अच्छा काम किया है, जो कि फिल्म के फर्स्ट हाफ में क्रॉसबोन्स बनकर तो सेकंड हाफ में टू फेस बनकर घूमते हुए ऐसे साइको विलन बने हैं जो कि अपने रोबोट की डेथ का बदला इंडिया को तबाह करके लेना चाहता है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। साथ ही मानुषी छिल्लर इस फिल्म में केवल और केवल एक साइड किक हैं, तो वहीं सोनाक्षी सिन्हा इस फिल्म में एक चलती फिरती हार्ड ड्राइव बनी हुई हैं, जो कि पूरी फिल्म में एनिमी कैंप और हीरोज के कैंप में आती जाती रहती हैं।
अब भाई ओवरऑल इस एक्शन कॉमेडी फिल्म में ना तो आपको कुछ ढंग की कॉमेडी देखने को मिलती है और ना ही कुछ यूनिक एक्शन। इनफैक्ट एक तरफ तो ये फिल्म अपनी सेंसलेस और इरिटेटिंग पंचलाइंस से आपके दिमाग का दही कर देती है, तो वहीं इस फिल्म का इलॉजिकल और बिना सिर पैर का स्क्रीन प्ले उस दही का मट्ठा बना देता है। सो इन माई ओपिनियन, पैसे देकर इस गर्मी में थिएटर जाना और फिर फिल्म देखकर दिमाग का मट्ठा बनाने से बेहतर है कि आप घर पे बैठकर लस्सी पिएं और आईपीएल का मजा उठाएं। तो भाई दैट्स इट, ये था मेरा दिमाग को दहला देने वाली मूवी बड़े मियां छोटे मियां का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।